Hello everyone. कैसे हो आप सभी? क्या चल रहा है? वेलकम 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 एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आ जाइए। वेरी गुड। शुरू करें आज का टॉपिक। बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, बहुत मजा आपको आने वाला है। वेरी गुड। सभी लोग, क्या आपके सामने पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मजा आपको आने वाला है। जितने भी लोग हैं जल्दी से हेलो हेलो वेलकम। बिल्कुल, इनमें से वह कौन सा तेल है जिससे ड्रॉपसी हो जाता है? बताइए। वेरी गुड। सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आरजी मोनी ऑयल। आरजी मोनी ऑयल, वेरी गुड। सार्विक रक्तदाता कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा रुधिर वर्ग होता है, यूनिवर्सल डोनर? वेरी गुड एवरीवन। जल्दी से सारे लोग जितने भी हैं जल्दी से आ जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड एवरीवन। सभी बिल्कुल। ओ ब्लड ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल डोनर। इनमें से किसकी कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? किसकी कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेलकम। आप आ जाइए जल्दी से। बिल्कुल, कौन सी सेल्स बीटा बीटा मानव शरीर में वसा जमा होती है? वेरी गुड। सभी बहुत ही बढ़िया। सभी लोग जल्दी से। बिल्कुल अगला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसका होगा एडिपोज टिश्यूज, वसा उत्तक। वसा उत्तक। हेलो एवरीवन। हेलो, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतंचित नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, किसके कारण? वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया। वो है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन, वेरी गुड। हेलो मीना बोय, नेहा कुमारी, तिशा, दीपक, राहुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन जल्दी से। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। द रेनल आर्टरी, वृक्क धमनी जो होती है वो, बिल्कुल सही है, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से। कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है लीवर, अगला क्वेश्चन। जल्दी से, वेरी गुड, महाधोनी, वेरी गुड। इसे कौन सी बीमारी फैलती है? बिल्कुल वेरी गुड, आंत ज्वर, आंत ज्वर, बहुत इनमें से किस रोग की अंतिम अवस्था है? बिल्कुल बफर कर रही है लोग, अभी कर रही है बफर। ओके ओके ओके, अभी सही चल रही है फिटनेस। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जू, अभी अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, कोरोन, खुशी, आई लव यू जी, कैसे कैसे नाम है, वेरी गुड। इनमें से वह कौन सा पौधा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है? अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अभी हो रहा है, बफर हो रहा है अभी। बिल्कुल सही है, फंड के द्वारा। इनमें से कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है? भूमिगत खाद्य तना, वेरी गुड, बिल्कुल वो है अदरक। अभी नहीं हो रही है, अभी मुझे भी दिख रहा है अभी नहीं हो रही है। किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक होता है कौन सा?
बहुत ही बढ़िया। ये होता है फ्लोएम। अगला क्वेश्चन। हेलो तिशा, राजवीर ऑफर हो गया ना अभी। एक्चुअल में थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू आई थिंक है ना। वेरी गुड। बिल्कुल सही है, फलों के रस के लिए। पित्त जमा होता है। वेरी गुड। पित्त जमा होता है। पिताश्य में। अरे आई लव यू जी बेटा, तिशा को क्या हुआ? पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पिनियल वेरी गुड। पिनियल मस्तिष्क में। नमस्ते नमस्ते ऋषभ। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए क्या पदार्थ यूज में होता है? क्या होता है? ना जी अनिल कुमार जी, शुभम, रूबी, ऋषभ, टीशा कयान, चल बेटा, मीना बॉय, सब लोग यस। जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, सब लोग यस कर दो। जो वीडियो देख रहे हैं बोल नहीं रहे, साइलेंट यूजर जिनको बोलते हैं। हर मानव हृदय बंद होता है। राधे राधे। पानी ऋषभ किसको बोल रहे हो? अध्यावरण में ऑप्शन ए। इनमें से उत्तक का उदाहरण कौन सा है? उत्तक क्या लिखा है? अबे तू कम है, ये क्या है ऋषभ? ब्लड। ब्लड एक तरह का क्या है? टिश्यू है। मूल ग्रंथियां आमतौर पर किन में पाई जाती हैं? मूल टेस्ट में क्या है स्कोर? स्कोर बताइए मूल टेस्ट का। मूल टेस्ट का स्कोर बताइए। वेरी गुड। फलीदार पौधों में ट्रिप्सिन का काम होता है।
बिल्कुल, प्रोटीन को भंग करना। अरे बेटा क्यों नहीं कर पाया दिशा। अल्जाइमर का रोग निम्नलिखित में से क्या है? वेरी गुड। तो नू एफ के अकेडमी बताइए। बिल्कुल सही है। अल्जाइमर रोग यह मस्तिष्क का विकार है। बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? में से वास्तविक मछली नहीं है। स्टार फिश। स्टार फिश। हाँ सोनू से नीचे बोलिए। पराग कणों का निर्माण करने वाला पुष्प भाग है। पराग कणों का निर्माण करने वाला पुष्प भाग कौन सा है? वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल सही है। पराग कणों का निर्माण करने वाला पुष्प भाग है। पराग कोष। पराग वेरी गुड। आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण इनमें से कौन सा रोग हो सकता है? अननोन पर्सन के नाम से कौन है? अननोन पर्सन के नाम से कौन? बिल्कुल सही है। बड़ी आउटू एंड लार्ज थायराइड। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। बच्चे का लिंग निर्धारण किसके कारण होता है? वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सही है। पिता के गुणसूत्रों के द्वारा। अगला क्वेश्चन। इनेमल इनमें से किसको आवरित करता है? इनेमल। वेरी गुड। एक काम करो भाई, जल्दी से आपके पास जो ग्रुप होंगे ना, उन ग्रुप पे एक बार वीडियो को शेयर कर दो। मैं कह रहा हूं आपको अभी 150 क्वेश्चन और करवाऊंगा। अगर आप लगातार सपोर्ट करेंगे मजा अभी आएगा। कुछ लोग होंगे तो एक बार अपने पांच पांच दोस्तों को या ग्रुप में शेयर कर दो। केवल एक बार, केवल एक बार। दंत शिखर को प्रतिजैविक एमिसिलिन क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एमिसिलिन होती है, बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। किसे प्राप्त होती है? बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्राणी है जिसे खरपका रोग हो सकता है? बहुत ही बढ़िया। अगर आप देखो एक भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं एक कर दूं फिर वो कर देगा। सर को क्या पता लगेगा? सर को पता नहीं लगेगा, ये तो आपके अंतरात्मा है। है ना? बिल्कुल। पेड़, पशु, सुअर, इन सबको खरपका रोग हो सकता है। हाइपोग्लासमिया का क्या मतलब है? वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रुधिर में निम्न शर्करा का स्तर। इनमें से वह जंतु कौन सा है जिसमें क्लाइटेनन होती है?
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। केचुआ। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है। ट्रेस वेरी गुड। जस्ता, जिंक, वेरी गुड। अधिकांश मछलियां पानी में नहीं डूबती हैं क्योंकि बहुत बढ़िया, क्यों नहीं डूबती हैं? वाताशय होता है, वाताशय होता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, चॉकलेट जो आप खाते हैं, है ना, क्योंकि उनमें ज्यादातर क्या होता है, वाताशय है। वेरी गुड। तो नहीं खानी चाहिए चॉकलेट, इसीलिए मैं तुम्हें गिफ्ट में नहीं देता क्योंकि इसमें लेड होता है, शीशा। बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन, अमर बेल है, अमर बेल है, बिल्कुल सही है ना। बड़ा, मैं सबके बर्थडे पर सोच रहा था तो बड़े बड़े डब्बे पैक करके, है ना, भेज दूं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये भी तो है। अच्छा, तना परजीवी। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड। हाँ, सोच रहा हूँ दिशा बेटा, सोच रहा हूँ। स्नानागत वृद्धि होती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वृक्क का प्रक्रियात्मक यूनिट होती है क्या? तो मेरा बर्थडे आने वाला है, फिर मुझे क्या मिलने वाला है? वेरी गुड। प्रकणु, नेफ्रोन, नेफ्रोन। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है किसको? बिल्कुल सही है। अगला माइट्रोकॉन्ड्रिया।
कौन सा विटामिन है हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? मेरा बेटा, मेरा मेरा बहुत बढ़िया, विटामिन डी। बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पानी होता है? जल्दी से मस्तिष्क कोशिकाएं। बिल्कुल एंजाइम का स्रोत है। वेरी गुड। लार ग्रंथि माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबंधित है, इनमें से किस अवयव को प्रभावित करता है? सही, किन अवयवों को प्रभावित करता है? बिल्कुल, हमारा जो श्वास का तंत्र है वो प्रभावित करता है। ऑप्शन ए। 150 क्वेश्चन, इनमें से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। बिल्कुल, प्लीहा प्लेन। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। अग्नाशय कलशवा का एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। बिल्कुल, अच्छा, रवि सर ने पढ़ाया था। पर्णपूर्ण ग्रंथियों में ऑप्शन ए तंतु आहार में होता है क्या? वेरी गुड। देखता हूँ बेटा, नहीं देखता हूँ, सेल्यूलोज देखता हूँ बेटा।
पुत्र का असामान्य घटक क्या होता है? पुत्र का असामान्य घटक है, पुत्र बिल्कुल एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। पदार्थ पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, पादप द्वारा अपेक्षित तत्व कौन सा है? पादप द्वारा बहुत बढ़िया। लो पैक कर, वेरी गुड। अरे कैसे कवर करना है तो सेट, मेरे को भी पता नहीं है। हाइड्रोजन, इनमें से किसी युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? कॉकरोच और सिल्वर फिश, कॉकरोच और सिल्वर फिश, इनमें से कौन मलेरिया पैदा करता है? इनमें से कौन मलेरिया पैदा करता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही सही है। प्रोटोजोआ, अगला क्वेश्चन, जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो करना जाना कारण है किस चीज का? वेरी गुड, लव इज माई लाइफ लाइन। लव इज माई लाइफ लाइन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजनी आहार होता है, नाइट्रोजनी आहार है, बिल्कुल ऋषभ यादव, बोल बेटा बोल, तेरा नाम तो मेरे दिल में है यार, तेरे नाम की क्या जरूरत है। प्रोटीन, बिल्कुल इनमें से किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होता? कशेरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होता, क्रोनडियोप्टोज। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कोशिकाओं को एटम बॉम्ब कहते हैं? इनमें से किस कोशिकाओं को एटम बॉम्ब कहते हैं?
एटम बॉम्ब कहते हैं? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रियोसाइट पाए जाते हैं, ऑस्ट्रियोसाइट पाए जाते हैं बहुत ही बढ़िया। अस्थि में सामने आओ, मन नहीं लग रहा है। बिल्कुल। अरे बताओ बेटा क्या कर रहा है, IWC क्या रिप्लाई कर, बताओ। किम गुणसूत्र? दही को दूध में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दही रिप्लाई करूं? IWC बताइए, आपको जो पूछना है पूछिए बेटा। एनिन, निशा, चितरंजीत, चंदन भारती, संदीप, पवन रजक, एफ के एकेडमी, मीना बॉय। बालक कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? बालक बहुत ही बढ़िया। एक 100 से 120 दिन। बालक पोलियो को रोकथाम के लिए प्रभावी वैक्सीन कौन किसने बनाई थी? अरे बेटा लव यू नहीं बोल रहे, तुमने नाम ही आई लव यू रख रखा है तो मैं क्या बोलूँ बताया। बिल्कुल सही है। जोन्स ई सॉल्क पवन, अरे पवन तुम अजी बोलिए, आज रवि सर बोले थे। मीना माता रोग किस कारण से हुआ था? आप मूवी जरूर देखें, है ना, सब लोग, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत फैमिली मूवी है। मरकरी और लैड के कारण होता है ना, में अब मरकरी का ज्यादा रोल है ना, ये जापान में हुआ था, है ना, जापान में हुआ था। मीना माता रोग बहुत ही भयानक था उस समय, है ना। बिल्कुल, मरकरी और लैड दोनों के कारण होता है। रेडियो सक्रिय एस्ट्रोनिज्म जो 90 है उसके कारण, ST90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? कौन सा कैंसर? अरे बेटा आ जाएंगे, आ जाएंगे पवन, आ जाएंगे, आ जाएंगे। कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तुम्हारे? दिशा पूछो पूछो पूछो। बिल्कुल, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर।
मामूली ठंड या जुकाम का कारण क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, स्किन। आई लव यू जी ने बोला है, स्किन। अशोक ने बोला है, चिराग, अनिल, चंदन। वेरी गुड। आप बेटा अपनी क्लास का स्टूडेंट होगा क्या? अशोक ढाका, कैसे हो? क्या देखो बेटा, बोल तो। ईशा, वायरस। जीत अड़क, ऐप की एकेडमी। अनिल, मीना बोय, क्या हाल चाल, कहाँ से हो? राजस्थान से मीना बोय। अशोक, कौन बोल रहा है? लव यू। मैं बिल्कुल, मैं सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, है ना? मैं सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ बेटा, अपनी गोल। अच्छा, अपनी यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस वह एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? बताइए, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हमिंग बर्ड। अच्छा, तुम्हारा फ्रैक्चर हो गया ना? बिल्कुल। इनमें से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? बिल्कुल कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? शर्वणी, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन ए। कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न होता है? कपोत दुग्ध वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, रेशम द्वारा उत्पादित किया जाता है। रेशम द्वारा उत्पादित किया जाता है। बिल्कुल सही है, रेशम कीट के अलावा। अगला क्वेश्चन,
बिल्कुल सही है। कंठीला चोटी खोर, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण बदलता है? वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड। पर्णक की लवक, दिल का दौरा किस कारण से होता है? वेरी गुड। आज डिनर करके आओ, डिनर कर लो। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, बायोडिग्रेडेबल कचरे को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है? वेरी गुड। आप करो ऋषभ, मैंने कर दिया है। बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया। कुर्मुता की खेती उपयोगी नहीं होती। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप डिजीज, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन। हेलो हेलो, आई लव यू, गुड नाइट गुड नाइट। मधुमक्खी में ड्रोन होता है क्या? बहुत बढ़िया, जल्दी से। अरे जननशम नर किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? क्रिएटिन के कौन से गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? बिल्कुल, एक्स वाई।
अगला क्वेश्चन, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। रूबी, बुलबुल, ईशा, पवन, मीना, संदीप, एफ के एकेडमी, ऋषभ, आई लव यू जी, चितरंजना, बिना बोए, एके, क्या क्या नाम है। बिल्कुल सही है, अमी वर्षा। कला और शिल्प में प्रयोग किया जाने वाला किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है? बहुत ही बढ़िया। अगला को कोई आई मिस यू लिख के आ जाएगा, है ना? बेंजीन, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। क्लियर नहीं आ रही, तो नाम ही ऐसा है, क्या करें, हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी बताओ। अगला वेरी गुड। क्या वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा संदीप, 4 बार चुका पूछ चुका, डेली होती है बेटा, डेली डेली डेली। इनमें से कौन सा